हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 19 दिसंबर 2019 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। टॉपिक आप देख रहे हैं सारस मिस्त्री, टाटा, ICC अवार्ड्स, साहित्य अकादमी अवार्ड्स, तो कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे टॉपिक हैं। इसके अलावा भी उन सब पे बात करेंगे क्वेश्चन के रूप में। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स यानी NCALT, तो उसने टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर फिर से किसे बहाल करने का आदेश दिया है? इसका आंसर सबको पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी चर्चा हो गई है। सारस मिस्त्री इसका आंसर है। ओके, थोड़े शॉर्ट में बताएंगे आपको क्या है मामला, कैसे क्या हुआ। देखिए, ट्रिब्यूनल्स ने ये कहा है कि मिस्त्री को जो हटाया गया था, सारस मिस्त्री को 2016 में, 24 अक्टूबर 2016 को, वो अवैध था। ओके, और उनको कहा है कि फिर से चेयरमैन बना दी जाए। इसके लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है, और इस दौरान चाहे तो टाटा ग्रुप जो है, टाटा सन्स, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, और देखिए, जो टाटा सन्स है इसके अंदर में ही तमाम सारी कंपनियां हैं, चाहे नमक बनाने की कंपनी हो या सॉफ्टवेयर बनाने के TCS कंपनी हो या कोई भी कंपनी, स्टील की कंपनी हो, तो सब जो है वो टाटा सन्स के अंडर में ही है। तो क्यों हटाया गया था इनको, सारस मिस्त्री को? देखिए, रतन टाटा और सारस मिस्त्री के बीच में टकराव हुआ था, ऐसी खबरें आई थी, और उसी का ये नतीजा था। सारस पर टाटा सन्स बोर्ड ने ये कहा था कि दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था उन पर, सारस मिस्त्री पर। और पहले सारस मिस्त्री गए थे NCLAT, ओके, NCLT, उसके बाद फिर NCALT पहुँचे अपीलेट के लिए। ओके, तो इस वक्त टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? तो वो हैं एन चंद्रशेखरन। ओके, तो अब सारस मिस्त्री पे बात कर लेते हैं, वो कौन है, क्या है। देखिए, वो आयरलैंड में पैदा हुए थे, 48 ईयर के हैं सारस मिस्त्री, और लंदन बिजनेस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की हुई है। पलोनजी शपूर जी के सबसे छोटे बेटे हैं। पलोनजी शपूर जी बिजनेस टाइकून हैं, और उनका जो परिवार है वो आयरलैंड के सबसे अमीर भारतीय परिवारों में से एक है, और सायरस के नेतृत्व में ही उनकी कंपनी जो की थी शपूर जी पलोनजी एंड कंपनी, तो उसने भारत में बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए थे। सबसे ऊंचा रिहायशी टावर निर्माण हो गया, चाहे सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण हो गया, सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया, तो इन सब के निर्माण में उनकी कंपनी शामिल थी। और आपको बता दूं कि मिस्त्री परिवार यानी जो पलोनजी मिस्त्री थे, उनके परिवार की टाटा सन्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। मतलब सायरस मिस्त्री के परिवार की जो टाटा में हिस्सेदारी है वो 18.4% की हिस्सेदारी है। ओके, और सारस मिस्त्री टाटा सन्स के छठे चेयरमैन बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। उसके बाद रतन टाटा ने ही और बोर्ड ने ऐसा टाटा सन्स के उसने चुना था सारस मिस्त्री को। देखिए, शुरू में तो सारस मिस्त्री जो है रतन टाटा की देखरेख में काम कर रहे थे, लेकिन ऐसी खबरें आने लगी कि उन्होंने खुद ही अपने बहुत सारे फैसले लेने शुरू कर दिए। देखिए, सारस मिस्त्री को टाटा सन्स के विरासत में जो कंपनियां मिली थी उनमें से बहुत सारी कंपनियां मुनाफा नहीं कमा रही थी, तो उसको बेचना शुरू कर दिया था सारस मिस्त्री ने। और कुछ हद तक ये सब जो था वो रतन टाटा के फैसले को पलटने जैसा था, तो दोनों में टकराव सामने आ गए और बहुत सारी समस्याएं भी थीं दोनों के बीच में, मतभेद हुए। जैसे कौन कौन से मतभेद हुए, तो टाटा नैनो, जिसके बारे में मिस्त्री का मानना था कि कार के कारोबार को बचाना है तो इसको बंद कर देना चाहिए, टाटा नैनो के उत्पादन को, उसके पूरे बिजनेस को, और ये रतन टाटा के लिए बहुत ईगो का मामला हो गया था। इंडियन होटल्स की ओर से भी देश और विदेश में जो खरीदारी की गई थी उसके लिए काफ़ी घाटा उठाना पड़ा था टाटा सन्स को। और इसके अलावा टाटा स्टील के UK की जो कंपनी थी उसको भी बेचने का उसने सोचा डिसीजन ले लिया था सारस मिस्त्री से ने। टाटा डोकोमो जो आपने देखा होगा, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था, और अभी तो मुकदमा भी चल रहा है इस मामले में अमेरिका में, टाटा डोकोमो को लेकर टाटा के खिलाफ। और टाटा पावर की जो इंडोनेशिया में खदान है उन सब पे विवाद हुआ था, उन सब के बेचने को लेकर काफ़ी टेंशन हुआ था। किन किन में? एक तो उन कंपनियों और टाटा के बीच, टाटा सन्स के बीच में, इसके अलावा रतन टाटा और
सारस मिस्त्री के बीच में। तो उनको अचानक से अक्टूबर 2016 में उनको हटा दिया गया था चेयरमैन पद से। और मिस्त्री को जब हटाया गया था तो ये दावा किया गया था कि कंपनी एक्ट का उल्लंघन करके उनकी बर्खास्तगी की गई है, ऐसा सारस मिस्त्री का कहना था। तो ये सब बातें हुई हैं जो मोटा मोटी है, आपको समझनी चाहिए इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये इस देश का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह है, बहुत बड़ा औद्योगिक समूह है टाटा समूह, टाटा सन्स, जो कि उसकी उसका जो व्यापार है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और भारत में तो हम देखते ही हैं, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ वो कंपनी बनाती है, वो ग्रुप बनाती है। ओके, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, बोर नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के जो अनाउंसमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, उसके बाद फिर हम ICC अवार्ड्स जो दिए गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के सम्मान से के लिए किसे चुना गया, तो इस सम्मान के लिए किसे चुना गया। इसका आंसर होगा शशि थरूर, कांग्रेस सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री। और देखिए 18 दिसंबर 2019 को साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं अभी डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, उन्होंने ये ऐलान किया है, पूरी लिस्ट जारी की है अलग अलग भाषाओं में साहित्य अकादमी 2019 का जो अवार्ड है वो। और साहित्य की दुनिया का बड़ा सम्मान ये माना जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किस बुक के लिए शशि थरूर को ये अवार्ड के लिए चुना गया है, तो ब्रिटिश काल पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, बुक का नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है। ये बुक आई थी 2016 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि 2019 का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वो अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और 5 घंटे का नॉन स्टॉप वीडियो है जो कि आपके लिए बनाया गया है, एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है। इसका आंसर होगा नंद किशोर आचार्य। ओके, उनको किस चीज़ के लिए दिया गया है, किस उनकी रचना के लिए दिया गया है, तो कविता है छीलते हुए अपने को, इसके लिए उनको दिया गया है। ओके, और ये सब जो सम्मान है वो 25 फरवरी 2020 को यानी नेक्स्ट ईयर न्यू दिल्ली में दिया जाएगा। और अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, एक ताम्र फलक दिया जाता है, शॉल और 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैंने एक साथ ही समेट दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के तमाम जो लैंग्वेज हैं उन सबको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, मेरे बगल में आप देख भी रहे हो। तो असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है 2019 के लिए जयश्री गोस्वामी महंत को उपन्यास चाणक्य के लिए। बाडला लैंग्वेज के लिए चिन्मय गुहा को ये चुना गया है। बोडो के लिए फुकन चंद्र को चुना गया है। डोगरी भाषा में ये ओम शर्मा को चुना गया। अंग्रेजी में मैंने बताया आपको शशि थरूर। गुजराती भाषा के लिए रतिलाल बोरी सागर को चुना गया। ओके, हिंदी के लिए नंद किशोर आचार्य जैसा मैंने पहले बताया। कन्नड़ के लिए विजया को चुना गया, एक आत्मकथा थी कुड़ी एसारू उसके लिए। कश्मीरी लैंग्वेज में अब्दुल अहद हाजिनी उनको चुना गया है। ओके, कोंकणी भाषा के लिए नीलबा आ खांडेकार उनको चुना गया है। मैथिली लैंग्वेज में कुमार मनीष अरविंद को चुना गया है, कुमार मनीष अरविंद। मलयालम लैंग्वेज में वी मधुसूदन नायर को चुना गया है। मणिपुरी में बेरिल थंगा को चुना गया है। ओके, मराठी लैंग्वेज की बात करें तो अनुराधा पाटिल को चुना गया है। ओडिशा लैंग्वेज की बात करें उड़िया, उड़िया ओडिशा की लैंग्वेज है, तरुण कांति मिश्र। ओके, पंजाबी लैंग्वेज में किरण पाल कजाक। राजस्थानी लैंग्वेज के लिए रामस्वरूप किसान को चुना गया है। और संस्कृत के लिए निन्ना मधुसूदन ओके उनको चुना गया है। संताली लैंग्वेज है इसके लिए कालीचरण हेम्ब्रम उनको चुना गया है। सिंधी लैंग्वेज के लिए ईश्वर मुरजानी उनको चुना गया है। ओके, तमिल लैंग्वेज के लिए चो धर्मन को चुना गया है। तेलुगु लैंग्वेज के लिए बंदी नारायण स्वामी को चुना गया है। उर्दू लैंग्वेज के लिए शाफे किदवई उनको चुना गया है।
नेपाली भाषा के लिए पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे। तो ये सब अवार्ड्स थे जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। सारे अवार्ड्स को याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, हाँ जिस आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप बिहार में रहते हो तो हिंदी इंग्लिश और जो मैथिली है वो तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए किसे अवार्ड मिला है। अगर आप पंजाब में रहते हो तो हिंदी इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज के जो अवार्ड मिले हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कश्मीर में रहते हो तो उस तरह से, तो अलग अलग स्टेट में जो रहते हैं उनको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। वैसे आप पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्री राम लागू का निधन 17 दिसंबर 2019 को हो गया, तो इनमें से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तस्वीर आप देख रहे हो, आपने पहचान लिया होगा इनको कई सारी फिल्मों में। ओके, तो इसका आंसर है फिल्म। ओके, हिंदी और मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया। 92 ईयर की उम्र में 17 दिसंबर को उनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता सिद्धार्थ का निधन 14 दिसंबर 2019 को हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनको भी आपने पहचान लिया होगा, फिल्म से जुड़ी हुई थी और कई सारी फिल्में की थी उन्होंने। शोले में तो अच्छा किरदार भी किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, इसका आंसर होगा 18 दिसंबर। ओके, ये संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 1992 में 18 दिसंबर को ये चुना था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई साहित्य DSC पुरस्कार 2019 किसने जीता? इसका आंसर है अमिताभ बागची। ओके, और किस चीज़ के लिए दिया गया? तो उनका उपन्यास है हाफ द नाइट इज गॉन, इसके लिए दिया गया है। नेपाल में घोषणा हुई है और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने ये अवार्ड उनको दिया है। देखिए, दक्षिण एशिया साहित्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये अब बात करते हैं ICC अवार्ड्स के बारे में। कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे अवार्ड मिले हैं, तो अलग अलग मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं, आप ध्यान से देखो सुनो। ओके, क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019, उसके लिए किसे चुना गया? ये एक अवार्ड है, इसका नाम है राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड। ओके, तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड जो है वो 2019 के लिए किसे चुना गया है, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है बदल के कि ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया। तो इसका आंसर होगा एलिस पेरी। ओके, एलिस पेरी, आप फोटो भी देख रहे हो, ये ICC का ये डिज़ाइन क्या हुआ है, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। ओके, एलिस पेरी, नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ICC वेमेन ODI यानी वन डे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब के लिए किसे चुना गया? इसका भी आंसर है एलिस पेरी। ओके, आप ICC का जो डिज़ाइन है लोग वो देख रहे हो, ओके, फोटो भी देख रहे हो इनका, एलिस पेरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ICC वेमेन T20I यानी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 खिताब के लिए किसे चुना गया? इसका आंसर है एलिसा हिली। ओके, एलिसा हिली, इनको चुना गया है, ये आप देख रहे हो, फोटो भी देख रहे हो आप। ओके, अगला क्वेश्चन है, ICC वेमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब के लिए किसे चुना गया? इसका आंसर होगा चनीदा सुथी रुआंग। ओके, चनीदा सिथु रुआंग, ये थाईलैंड की है और आप फोटो भी देख रहे हो, भर्ती हुई क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ICC वुमेन वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर दोनों में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? यहाँ दोनों की बात हो रही है। ओके, T20 और वनडे, इसका आंसर होगा स्मृति मंधाना। ओके, स्मृति मंधाना, तो उनको दोनों के लिए चुना गया है जो टीम ऑफ द ईयर है उसके लिए। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि वनडे टीम में गेंदबाज झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और शिखा पांडे को भी शामिल किया गया है। T20 की बात करें तो उसमें मंधाना के साथ साथ इस दीप्ति शर्मा को भी जगह मिली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ICC वुमेन वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना गया है, दोनों का कप्तान? इसका आंसर होगा मेग लैनिंग। ओके, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग, और उनको चुना गया है कप्तान। ओके,
मैंने इसके पीडीएफ में और डिटेल दे दिया है, जो टीम है टोटल 11-11, जैसे ODI और T20 इंटरनेशनल, तो उन दोनों के लिस्ट भी दे दी है कौन कौन से खिलाड़ी हैं, आप उसको भी देख सकते हो पीडीएफ को। ओके, और दोस्तों कैसा लगा जरूर बताना। इसके अलावा आप 2019 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स है उसका MCQ है 1250, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। PDF है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं 5 घंटे का नॉन स्टॉप, तो उससे आपकी जो एग्जामिनेशन की तैयारी है वो काफ़ी कुछ अच्छी हो जाएगी। और आप जो अभी देख रहे हैं 19 दिसंबर 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, तो अभी आप इस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, वरना ये लिंक गायब हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।